हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगी 30-32 इंच के सीने में ब्लाउज के अंदर चुन्नट डालने का तरीका। ये आगे का हिस्सा मैंने इस पे निशान लगा रखे हैं, ये मैन निशान और ये साइड वाले। पहले मैं इस मैन निशान पे चुन्नट डालूंगी, इसको डबल फोल्ड कर लूंगी। ठीक है, अब इसको आधा इंच, यहाँ से आधा इंच, 30-32 इंच के सीने में यहाँ से आधा इंच ही दबाव रखूंगी। सीना ज्यादा हो तो ये दबाव ज्यादा होता है। ये इस प्रकार से मैं इस पहले चुन्नट पे दो सिलाई लगा दूंगी, ये पक्की हो जाएगी। अब ये साइड वाली चुन्नट एक एक करके मैं डाल लूंगी, निशान लगाए हुए। इन चुन्नटों को दो सूत जितना भी दबाव दूंगी, ये देखिए इस पे मैं दो सूत का दबाव लगाऊंगी। ये यहाँ से इसकी नोक बिल्कुल पतली होनी चाहिए, ये देखिए, ये नहीं तो यहाँ से नोक मोटी होगी तो ये इस प्रकार से उठ जाएगी। ये देखो बिल्कुल नहीं उठ रही। इसी प्रकार से मैं जहां से शुरुआत करूंगी वहां से बिल्कुल पतली इसकी नोक पर से बिल्कुल सिलाई किनारी पे लगाऊंगी और फिर धीरे धीरे करके दो सूत पे सिलाई लगा लूंगी। इसी प्रकार एक एक करके मैं सभी सलों को सिलाई लगा दूंगी। ये चुन्नट ये देखिए, मैंने सारी चुन्नटों पर सिलाई लगा ली और इनकी नोक देखिए, बिल्कुल नोक पे बिल्कुल बारीक सिलाई, ये देखिए आप। अब मैं आपको बेल्ट को किस प्रकार लगाते हैं, गुम बेल्ट लगा के दिखाऊंगी, जिसे लगाने के बाद इंटरलॉक की जरूरी नहीं होगी। मैं आपको लगा के बताती हूँ। ये मेरे पास है बेल्ट की पट्टियां, ये अस्तर वाली और ये ऊपर वाली। तो ये जो इसका तिरछा भाग, इस पट्टी का जो तिरछा भाग है, इसका ये तिरछा है और इसका ये तिरछा भाग और ये चौड़ाई वाला भाग आगे की साइड आएगा, मतलब जो गले की पट्टी है उस साइड आएगा। तो इसको इस प्रकार से यहां रखते हुए इसको इसके ऊपर ऐसे रख लूंगी और इस पट्टी को इस साइड यहां रख लूंगी। ये देखिए दोनों पट्टियां रखी जा चुकी हैं, ये पट्टी और ये पट्टी, और ये बीच वाला ब्लाउज है, ये पट्टी और ये पट्टी, बीच में इस ब्लाउज को दे दूंगी इस प्रकार से। ठीक है, और इस प्रकार से मैं सिलाई लगा दूंगी। इस प्रकार से ये पूरा बेल्ट लगा दूंगी। ये देखिए मैंने पूरा बेल्ट लगा लिया है। अब इसको सीधा करूंगी तो देखिए ये इस साइड से भी सिलाई नहीं दिख रही, और ये उस साइड करूंगी तो उस साइड से भी सिलाई नहीं दिख रही। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे हमें इंटरलॉक करने की जरूरी नहीं होती। और ये देखिए ये जो चुन्नट मैंने डाली थी, ये देखिए ये कटोरी बिल्कुल भी नहीं उठ रही। और हम इन चुन्नटों को ज्यादा दबाव देंगे 30-32 इंच के सीने में तो ये कटोरी यहाँ से उठ जाएगी और ये ब्लाउज की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।